मामले की इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई कर रही है, और अब सीबीआई से भी सवाल पूछे जाएंगे कि अब इस इन्वेस्टिगेशन में वो जो कुछ निकल कर आ रहा है लोगों के सामने रखे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है। कोलकाता पुलिस ने अगर इस इन्वेस्टिगेशन को खराब किया तो सीबीआई अब इन इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रही है, वो तथ्य सामने आए, वो तथ्य सामने रखे जाए। ये बताऊं आपको कि कोलकाता रेप मर्डर केस में जो एएसआई है अरूप दत्ता, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, वो जारी है। अब एएसआई अरूप दत्ता की संलिप्तता का भी शक है, यानी पुलिस को लेकर ये सवाल जो बार बार उठ रहे हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। जो बात अभी जिक्र जो डीजीपी सर कर रहे थे कि जो बाइक चला रहा था संजय रॉय, वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसे लेकर भी सवाल हो रहे हैं। ये सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पुलिस की तारीफ करती हैं। इसीलिए अजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले बताती हूं कि ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। ममता बनर्जी पर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं है, यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इस तरह से किसी अपराधी का पक्ष लेती नजर आ रही है। वो शाहजहां संदेश खाली में शाहजहां शेख का साथ दे रही थी, लगातार डिफेंड कर रही थी, महिलाओं के आरोप खारिज कर रही थी। इसी के साथ किसी राज्य में चुनावी हिंसा नहीं हो रही है चुनाव के समय, लेकिन पश्चिम बंगाल अपवाद बना हुआ है, वहां पर हो रही है अभी भी। कोलकाता रेप में संदीप घोष को भी बचाने की कोशिश की गई, वहां संदीप घोष को इतने जघन्य अपराध के बावजूद भी सिर्फ ट्रांसफर किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा तब एक्शन हुआ। पुलिस पर आरोप लग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पुलिस की तारीफ कर रही है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। संजय रॉय की जो बाइक है वो कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? अजय जी, इनमें से कोई भी सवाल क्या गलत है, जरा बताइए। बंगाल तो मैंने माना कि हिंदुस्तान में है, मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं है, बिहार हिंदुस्तान में नहीं है, उत्तराखंड हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब पार्ट ऑफ द ईरान, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए, यूके है। तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। रत्नागिरी में महाराष्ट्र में नर्स के साथ सारी नर्स सड़कों पर है, बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, रेप, और उस नर्स की कोई राजनीति नहीं, ना प्रधानमंत्री बोल रहे, ना अमित शाह बोल रहे, ना इनका मोमबत्ती गैंग बोल रहा, ना इनका देसराई गैंग बोल रहा। बदलापुर में वो बीजेपी के नेता का स्कूल है, वहां रेप की कितनी घटनाएं छोटे छोटे बच्चों से चल रही थी और कितने महीनों से चल रही है, उस पर नहीं, ना उनका गवर्नर बोल रहे, ना राष्ट्रपति का कोई, आप उसका वो कह रही है, राष्ट्रपति पूरे देश की राष्ट्रपति होती है, उन्होंने पूरे देश के बारे में कहा है। आप अभी कह रही थी, मैं आपकी बात से सहमत देता जी, कि वो बंगाल के लिए कह रही है, बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, उस एक महिला को भारत के राजा और गृह मंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और नए नए तरीके अपनाकर उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं, अमृत लोटन से और इस तरीके से। अर्जुन सिंह कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र है क्या बताते हैं, किस में पढ़ रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कौन सा है कि छात्रों का, हम देखिए अगर राहुल गांधी जाते हैं तो नेता विपक्ष बन के जाते हैं, छात्रों की ओर से नहीं जाते। अखिलेश यादव जाते हैं तो नेता विपक्ष बन के जाते हैं, उत्तर प्रदेश के एमपी बन के जाते हैं, छात्रों के प्रदर्शन में नहीं जाते। सीबीआई काम कर रही है, बलात्कारी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जब अंकिता भट्टाचार्य का हत्यारा आज तक, सर अब आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि वो मणिपुर जाते हैं, वो हाथरस जाते हैं, तो फिर ये भी बोल दीजिए ना, वो अयोध्या नहीं जाते हैं, वो कन्नौज नहीं जाते हैं, वो कोलकाता नहीं आते हैं, ये भी गिनाना पड़ेगा। देखिए जो लोग रेप विक्टिम का साथ देने के लिए जाते हैं, फिर उनका तो प्रत्यक्ष प्रमाणम है कि कहां वो जा रहे हैं और कहां नहीं जा रहे हैं। आप या तो अपने घर में बैठकर बोल दीजिए कि हम सबके साथ हैं, वो तब भी मैं बिलीव कर लूं, लेकिन यहां पर सिलेक्टिवली जाना, ये एक तरह से आप किसी एक रेप विक्टिम के पास जा रहे हैं, दूसरी जगह आप जा नहीं रहे, ये क्या दिखा रहा है? चैनल से मां अधीर बाबू हमले पे हमला कर रहे हैं ममता बनर्जी पर। आप यहाँ बैठकर अभी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कोलकाता में जो हुआ उसे मत देखिए, आप मणिपुर देखिए, आप यूपी देखिए। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश से एक पूर्व डीजीपी राज्यसभा जा चुके हैं, एक डीजीपी साहब जो रहे थे उनको मंत्री बना दिया है, अब और कोई डीजीपी नहीं जाने वाले, रिटायर्ड वाले, सब अपने कहीं। सरकार का गलत बातों का विरोध जो नहीं करेगा, सारे रेपों का विरोध करना चाहिए, और उत्तराखंड की बेटी का, बदलापुर की बेटियों का, रत्नागिरी की बेटियों का, जोधपुर की बेटी का। आप अधीर बाबू को छोड़कर एक नेता बता दीजिए अपनी पार्टी का जो कोलकाता को लेकर बयान दे रहा है, मैं बस ये पूछ रही हूँ। हमारे नेता समझ नहीं आ रहा मुझे, अधीर बाबू तो हमले पे हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा दो। ममता बनर्जी जो कर रही है वो ताना चाहिए, वो खुलकर कह रहे हैं डंके की चोट पर कह रहे हैं, आपने उनको साइडलाइन कर दिया।
और कहां है वो भाजपा का जलाओ गैंग जो है, ये लोग केवल महिला पर अत्याचार कर रहे हैं। देश की एक महिला इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये 70 करोड़ महिलाओं की आय लगेगी अगर सरकार गिरा दी। क्या बातें कर जा रहे हैं आप? देश की महिला इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री है, इस बात को लेकर मैं भी गर्व महसूस करती हूँ। एक वुमन चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इसका मतलब क्या यह है भाटी जी कि वुमन चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में कुछ गलत नहीं हो सकता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनाव में छिटपुट हिंसा हर जगह होती है, लेकिन जिस तरह का चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है, बम चल जाते हैं, गोले चल जाते हैं, फायरिंग हो जाती है, कहाँ होती है? सवाल पूछे जाते हैं तो आप गलत ठहरा देते हैं, ये कहाँ होता है? जरा मुझे बताइए भाटी जी को, ऑर्डर दीजिए, उनकी हिस्ट्री खुली हुई है। कोई सवाल ही ना पूछे क्या बंगाल को लेकर? सवाल पूछने पे हम बिल्कुल गलत नहीं ठहराते। मैंने तो शुरू में ही आपके दोनों प्रश्नों का समर्थन किया था कि आपकी चिंता जायज है और एक सजग पत्रकार को इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन मेरा एतराज इस बात पे था कि जब केवल फोकस करके उन्हीं राज्यों में पूछे जाते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत बहादुर महिला हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं पश्चिम बंगाल की, और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऐसे मुद्दों पर घेरना चाहती है। अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मानस को जगा देती हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में हुआ, एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस ने उसकी डेड बॉडी रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर जला दी, उनके घर वालों पर लाठियां चलाई, जो जो नेता जिस जिस पार्टी का वहां जाना चाहता था सब पे पुलिस ने लाठियां चलाई, एक पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, केवल वो रिपोर्टिंग करने जा रहा था और 1.5-2 साल तक वो जेल में रखा गया। उस पर मानस को नहीं जागना चाहिए? अभी जो फरुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई मिली हैं, उस पर मानस को नहीं जागना चाहिए? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता जिनके फोटो मोदी जी के साथ भी हैं, योगी जी के साथ भी हैं, स्मृति ईरानी के साथ भी हैं, उन्हें पुलिस 1 महीने तक बचाती रही, इस पर मानस को नहीं जागना चाहिए? चुनिंदा घटनाओं पर जो जो इन्हें सूट तो करे उन पर मानस को जागना चाहिए। आखिरी बात, जब हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ है तो क्या हो गया? अगर मोहित खान की फोटो अवधेश प्रसाद के साथ है तो क्या हो गया? ये तो आप ही कहते हैं पिछले डिबेट में कह रहे थे। एक वाक्य और, हाँ बोलिए बोलिए, एक वाक्य और बोलना चाहता हूँ। जब हम ये आलोचना करते हैं मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की, वो गलत कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता और अवधेश प्रसाद जी और एंकर हमसे कहते हैं अगर वो गलत सही नहीं कर रहे हैं तो बार बार चुन के क्यों आ रहे हैं? तो ये सवाल तो आज हम भी पूछ सकते हैं। अगर ममता बनर्जी बार बार चुनाव जीत रही हैं तो इसका मतलब वो अच्छा शासन चला रही हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? बड़ी बात जो भाटी जी ने कहा, भाटी जी ने अवधेश जी वो कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल के लिए इतनी खराब होती तो वो बार बार चुनकर कैसे आ रही है? वो पश्चिम बंगाल में बार बार काबिज हो रही है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, बताइए। पहली बात तो यह है कि वो चुन के आ रही हैं, क्या इसका नहीं, जो सवाल हमसे पूछा जाता, मैंने तो वही सवाल उठाया है। भाटी जी ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भाटी जी या किसी से भी देश से मैं पूछ रहा हूं, क्या इसके पहले कभी किसी भी घटना में मुख्यमंत्री ने सड़कों पर उतर करके इस प्रकार से न्याय मांगना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी मांग रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट कर रहे हो, भले वो राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हो, उसके विरुद्ध कभी मोर्चाबंदी की? क्या ममता बनर्जी के मुंह से अभी तक एक शब्द निकला कि हमारे पास हमारे मैं बताता हूँ मुझे टाइम दीजिए, आप तो बोले हैं, मैंने भी सुना है, आज पूरा भाषण सुना, मैं बताता हूँ पूरा भाषण सुना हूँ। क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? सुनिए, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि 3 घंटे तक उसके माता पिता खड़े और कहा जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री से बात कराई गई तब उनको शव देखने दिया गया? मुख्यमंत्री से कैसे बात हो जा रही है उस अस्पताल की? अस्पताल में कौन सा माफिया गिरी है कि जिसमें इतने एकदम सीधा डायरेक्ट वहां के प्रिंसिपल का है कि प्राइम मिनिस्टर से बात, मुख्यमंत्री से बात कर लो, ये क्या चक्कर है? उसके पहले सारा कांड हो चुका है। सर, ममता बनर्जी जो कुछ आज कर रही थी ये अपराध से बड़ा अपराध है, जो उन्होंने पहले भी किया है वो अपराध से महा अपराध है। एक मुख्यमंत्री को तो एक लाइन निकल के आना चाहिए था, कल अगर छात्र थे, अगर वो रात में ही भाषण दे देती कि छात्र के प्रतिनिधि मेरे पास आए, अपना ज्ञापन लेके आए, मैं यहां बैठी हूं, मैं उनसे बात करने वाली हूं। छात्र किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी संगठन का हो सकता है,
क्या उसको उतर के सड़क पर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? क्या ममता बनर्जी खुद तो उतर जाती है? तो वही कह रहे हैं ना, वो तो खुद उतर रही है, अपनी पार्टी को उतार रही है। सुनीता जी 10 सेकंड, खुद प्रदर्शन किया उन्होंने, अपनी पार्टी को उतार रही है। केवल सिद्धार्थ जी पूरे